हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट माइग्ड मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर नाइन जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल तो हम देखने वाले हैं आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स तो इन ट्रू और फॉल्स में से भी एम फॉर्म होकर आपके एग्जाम में आ सकता है तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है ठीक है हर तरह के क्वेश्चन को कवर करते हुए चलना है चलिए तो फर्स्ट क्या बोल रहा है ऑथोराइज कैपिटल इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन शेयर कैपिटल तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्या है ट्रू हम ऑथराइज कैपिटल को कहाँ दिखाते हैं नोट्स टू नोट जो प्रिपेयर करते हैं उसमें शेयर कैपिटल के अंडर हम ऑथराइज कैपिटल एक बेसिकली क्लासिफिकेशन है शेयर कैपिटल का ठीक है तो हम उसके अंडर दिखाते हैं परफेक्टली सही ट्रू स्टेटमेंट है इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन वेदर सब्सक्राइब्ड और नॉट तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इशूड शेयर कैपिटल क्या है ऑथराइज जितना रजिस्टर्ड कैपिटल है कंपनी का उसका जो हिस्सा कंपनी पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर रही है वो इशूड में आता है भले ही पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं किया वो मतलब नहीं है बट इशूड शेयर कैपिटल में जितना भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं वो आपका इशूड शेयर कैपिटल में आ जाएगा तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कैन बी मोर देन ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है ये ठीक है इशूड शेयर कैपिटल कभी भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या है वो एक मैक्सिमम लिमिट दे दी जाती है कि इस इतने ज्यादा इस नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती ठीक है तो अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल सपोज फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स का है तो कंपनी पचास हजार या उससे कम शेयर को ही इशू कर सकती है तो कभी भी इशूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स फॉल्साइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्स अगेंस्ट द इशूड कैपिटल तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल जिसको सब्सक्राइब किया गया है ठीक है तो इशूड कैपिटल में से जितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया गया है वो हम कहां पे लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में तो ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्यूटली क्या है ट्रू आए समझ में तो ये चारों स्टेटमेंट समझ में आ गए चलो आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल नीड नॉट बी शोन सेपरेटली फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो बोल रहे हैं कि जब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं और अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी कर रही है इशू और इक्विटी शेयर भी इशू कर रही है तो उसको सेपरेटली नहीं दिखाना है तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ठीक है हमेशा प्रेफरेंट शेयर कैपिटल कितना सब्सक्राइब किया गया वो दिखाना अलग से पड़ता है और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना सब्सक्राइब किया गया वो दोनों को अलग अलग हमें दिखाना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में ठीक है तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज रिसीव्ड द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू वेदर कॉल्ड और नॉट आर शोन एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तो क्या बोल रहे हैं ध्यान से पढ़ो ये स्टेटमेंट शेयर्स जिसपे कंपनी को टोटल नॉमिनल या फेस वैल्यू का अमाउंट रिसीव हो चुका है भले ही कंपनी ने उस अमाउंट को बुलवाया है या नहीं कॉल्ड है कॉल किया है या नहीं ठीक है उसको हम कहा दिखाएंगे एंड फुली पेड अप में तो जल्दी से बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स फॉल्स है ठीक है फॉल्स क्यों है क्योंकि दो कंडीशंस आपकी मीट होनी चाहिए पहली कंडीशन कि कंपनी ने सारी इंस्टॉलमेंट्स बुलवा ली हैं ठीक है होल नॉमिनल और फेस वैल्यू इज बींगल्ड कंपनी एंड लोगों ने वो पूरी दे भी दी है ठीक है तो वही अमाउंट आपका सब्सक्राइब फुली पेडअप में आता है तो यहां पर सिर्फ एक कंडीशन मीट हो रही है दूसरी नहीं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स इसको हम सब्सक्राइब फुली पेडअप में नहीं दिखाएंगे कंपनी शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल बिल्कुल ट्रू है कंपनी के शेयर्स जो है एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है ठीक है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा कंपनी एट इट्स डिस्क्रिप्शन मे और मे नॉट प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑनलाइन आइटम ऑफ द बैलेंस शीट तो बोल रहे हैं कि कंपनी चाहे कंपनी का मन है तो बनाएगी नोट्स टू अकाउंट्स वरना नहीं बनाएगी तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है क्यों क्योंकि आपकी जो बैलेंस शीट है ठीक है उसके साथ आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना भी जरूरी है कंप्लायंस जरूरी है ठीक है शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंगली जो बैलेंस शीट बनती है उसका एक हिस्सा होता है नोट्स टू अकाउंट्स तो उसको बिना बनाए काम नहीं चल सकता आया समझ में तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स ऑथराइज कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन इशूड शेयर कैपिटल तो क्या बोल रहे हैं कि ऑथराइज कैपिटल जो है वो इशूड शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता उल्टा बोल रहे हैं ये लोग ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा फॉल्स कभी भी इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता तो ऑथराइज कैपिटल बेसिकली हाइस्ट लिमिट है शेयर्स की कितना कंपनी इशू कर सकती है क्लियर हो गया तो हमेशा इशूड शेयर कैपिटल या तो ऑथराइज कैपिटल जितना होगा या उससे कम ही होगा ठीक है क्लियर हो गया इतना चल आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कैन बी लेस देन और इक्वल टू द इशूड शेयर कैपिटल बट कैन नॉट बी मोर तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला गया है कंपनी जितने शेयर्स इशू करेगी ठीक है जितने शेयर्स के लिए इन्विटेशन भेजेगी तो सब्सक्रिप्शन शेयर कैपिटल का सिर्फ उतने ही शेयर्स का हो सकता है या उससे कम शेयर्स का हो सकता है जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ठीक है जब लोग ज़्यादा एप्लीकेशंस दे देते हैं तब भी कंपनी कितने शेयर्स उनको दे पाती है जितने उसने इशू किए हैं ठीक है उतने ही शेयर्स अलॉट कर पाती है तो इसलिए बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हमेशा कैन बी लेस देन और इक्वल टू द इशूड शेयर कैपिटल बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो ठीक है ट्रू है a part of share capital that will be called up at the time of winding up of the company is reserve capital theek hai to ye bilkul true statement hai winding up ke time pe jo part share capital ka bulwaya jayega company ke dwara theek hai usko hum kya bolte hain reserve capital bolte hain to ye statement true hai Shares can be issued to public at a discount, तो ये हम एक बार मैंने आपको concept के समय बताया था कि पब्लिक को कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती शेयर्स ठीक है या तो एट पार इशू करेगी जो फेस वैल्यू है या एट प्रीमियम तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है शेयर्स को कभी भी पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता शेयर्स कैन बी इशू टू एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंट तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेट ये ट्रू स्टेटमेंट है ठीक है कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको शेयर्स इशू किया जा सकता है एट डिस्काउंट बट डिस्काउंट पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता ठीक है क्लियर हो गया इतना तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एट पार तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हमेशा शेयर्स को क्या एट पार इशू करते हैं नहीं कई बार कंपनी प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है ठीक है तो जरूरी नहीं कि हमेशा एट पार ही इशू करेगी क्लियर हो गया इतना तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं चलो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑन शेयर्स ज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व स्टेटमेंट है जो भी सिक्योरिटी रिसीव होता है बैलेंस शीट तो, तो बिल्कुल स्टेटमेंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहा दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर दिखाते हैं फॉल्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज फॉर इशूइंग पार्टली पेड बोनस शेयर तो ये बेसिकली सेक्शन फिफ्टी टू क्या आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को किन किन कामों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो तो आपका एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रही हूं जो आपको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आज के वीडियो में मुझे लिख के बताते हैं कि सेक्शन 52 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन किस किस चीज के लिए किया जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं पार्टली पेड बोनस शेयर के लिए तो ये बिल्कुल फॉल्स है हमेशा फुली पेड बोनस शेयर होता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है ट्रू ठीक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को फुली पेड बोनस शेयर के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है लेकिन पार्टली पेड के लिए नहीं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज तो जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है ये स्टेटमेंट है ट्रू प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड इन द इवेंट वेन शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड तो क्या बोल रहे हैं जब शेयर्स को अंडर सब्सक्राइब किया जाता है जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए दस हज़ार सपोज इशू किए लेकिन लोगों ने उसको अंडर सब्सक्राइब किया लोगों ने कम सब्सक्राइब किया लोगों ने सपोज आठ हज़ार ही सब्सक्राइब किया तब प्रो राटा अलॉटमेंट होता है तो बिल्कुल फॉल्स है हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तब ही प्रो राटा अलॉटमेंट होता है ठीक है अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो सबको पूरे पूरे शेयर दिए जा रहे हैं उसमें प्रोराटा करने की बेसिस है की जरूरत है ही नहीं ठीक है तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गए चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड इन द केस ऑफ पब्लिक इश्यू अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी तो शेयर्स को अलॉट नहीं किया जा सकता कब अगर पब्लिक

ठीक है तो 90% परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट बताई गई है सेबी गाइडलाइंस में तो यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि शेयर्स को हम नहीं अलॉट कर सकते अगर पब्लिक ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं किया है कंपनी का तो कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक से नहीं मिला है तो कंपनी उन शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू नेक्स्ट फोरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड बाय द कंपनी ऑन द टर्म्स एज डिसाइडेड बाई इट तो जो कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट किया है जो कैंसिल किया है उसको कंपनी जो है री इशू कर सकती है जो वो टर्म्स डिसाइड करती है उसके आधार पर तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये ठीक है नेक्स्ट गेन और प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व ठीक है तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है हम सबको पता है कि जो भी गेन ऑन री इशू होता है उसको कंपनी कहाँ ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व में कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व में नहीं ठीक है दोनों अलग अलग होते हैं तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा फॉल्स एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ द अलॉटमेंट मनी इज ऑलवेज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तो क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी पे जो भी एक्सेस अमाउंट मिलेगा और वो अमाउंट इतना एक्सेस है कि अलॉटमेंट मनी की हमारा जितना भी ड्यू होता है इंस्टॉलमेंट उसके बाद भी एक्सेस अमाउंट बच रहा है तो उसको हमेशा आपको कॉल इन एडवांस में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा ठीक है तो ये स्टेटमेंट में अगर हमेशा नहीं होता ना इसकी जगह होता कैन बी है ना या कुड बी तो ये आप ट्रू लिख देते बट यहाँ पे बोला है कि हमेशा हमको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कई बार क्या होता है कि अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद अगर एक्सेस अमाउंट है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड होता है अगर ये टर्म्स डिसाइड हुए कि हम उस एक्सेस अमाउंट को रिफंड कर देंगे ठीक है एप्लीकेशन का जो भी एक्सेस अमाउंट मिला है एप्लीकेशन पर प्रो राटा अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद जो भी एक्सेस अमाउंट बच रहा है उसको कई बार रिफंड भी कर दिया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉल्स इन एडवांस में उसको लेकर जाना पड़ेगा तो ये वाला आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सिर्फ इस एक शब्द के कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ऑलवेज ठीक है नेक्स्ट इन द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स अमाउंट आर डिमांडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अप्लाइड एंड शेयर्स इशूड तो क्या बोल रहे हैं जब भी शेयर्स अंडर सब्सक्राइब किए जाते हैं सपोज कंपनी ने दस हजार शेयर्स इशू किए थे लेकिन लोगों ने सिर्फ आठ हजार शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया तो क्या बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट मनी और कॉल का अमाउंट हम किस बेसिस पे डिमांड करेंगे जितने लोगों ने शेयर को अप्लाई किया है ठीक है शेयर्स अप्लाइड एंड शेयर्स इशूड के आधार पे हम ये अमाउंट को इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट को अलॉटमेंट और कॉल्स के अमाउंट को डिमांड करेंगे तो बिल्कुल सही बोला है ठीक है जितने लोगों ने शेयर्स अप्लाई किए हैं सब्सक्राइब किए हैं उतने ही शेयर्स को हम फिर बेस बना के पूरा अपना कैलकुलेशन करते हैं इंस्टॉलमेंट्स का क्लियर हो गया तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा ट्रू चलो आगे बढ़ रहे हैं प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी कलेक्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है फॉल्स प्रीमियम को आप किसी भी टाइम पर किसी भी इंस्टॉलमेंट जिस जो भी कंपनी को ठीक लगता है कंपनी उस इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम बुलवा सकती है तो आपने कई बार देखा है कि चार इंस्टॉलमेंट से तो चारों पर कंपनी ने प्रीमियम बुलवाया है कई बार एप्लीकेशन पे प्रीमियम बुलवा लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अलॉटमेंट पर ही कंपनी प्रीमियम बुलवाएगी वो किसी भी इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम बुलवा सकती है चलो तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया स शेयर मीन दैट अरियर्स ऑफ डिडेंट इज पेबल बिफोर डिविडेंट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्यूमु प्रिफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव मतलब जो भी डिविडेंट आउटस्टैंडिंग होता जा रहा है इन प्रिफरेंस शेयर पर ठीक है तो जब भी कंपनी डिविडेंड पे ऑफ करेगी तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर वालों को डिविडेंट दिया जाएगा उसके बाद इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलेगा तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ठीक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट शोन एज शेयर होल्डर्स फंड बट इज शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंगस बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट तो जैसा कि हम देख चुके हैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर कैपिटल में आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आते हैं ठीक है तो शेयर कैपिटल फॉर्म्स इज फॉर्म बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड में दोनों ही आएगा प्रेफरेंट शेयर कैपिटल भी आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा तो इक्विड प्रिफरेंट शेयर कैपिटल को आप कभी भी लॉन्ग टर्म बॉरिंग्स की तरह नहीं दिखा सकते दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर्स फंड ओनली क्लियर हो गया तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा इट इज कंपल्सरी टू री इशू फोर फीटेड शेयर्स ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा ठीक है वो बोल रहे हैं कि फोर फीटेड शेयर्स को री इशू करना कंपलसरी है तो भाई ऐसा नहीं जरूरी है कंपनी की मर्जी है कंपनी को री इशू करना है तो कंपनी री इशू करेगी कंपनी का मन नहीं है री इशू करने का तो कंपनी बस फोर फीट करके बैठी रहेगी ठीक है तो वो कंपनी की मर्जी है कंपलसरी नहीं होता फोर फीटेड शेयर्स को रीइश्यू करना क्लियर हो गए तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गए तो यहां पर हमने पूरे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स देख लिए इस चैप्टर के आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और इससे इसमें आपको और नए नए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ में आए हो आपको अच्छी जानकारी मिली है ठीक है यहाँ पर मुझे बस कमेंट सेक्शन के अंडर आपको लिख कर बताना है कि सेक्शन 52 के अंडर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूटिलाइजेशन किन किन पर्पसेस से होता है ठीक है ये आपका एक होमवर्क मैंने दिया है आज के लेक्चर में आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप हैं एम हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन तब तक के लिए गुड बाय